वेल 13 से 14 हज़ार रुपये के प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ऐसे कम फोन्स अवेलेबल है जिसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती हो। तो इन दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। रिसेंटली इंडिया में सैमसंग ने सैमसंग M20 को लॉन्च करा है विद एक्सिनोस 7904 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। और आज मैं इसका करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपेरिजन एसस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के साथ, जिसमें स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और कंपेरिजन को फेयर रखने के लिए दोनों फोन्स का 4GB रैम मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो चेक कर लेंगे एक बार कि रैम मैनेजमेंट किस फोन की बेटर है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों फोन्स में आपको पबजी भी खेल के दिखाऊंगा ताकि पता चल जाए गेमिंग परफॉर्मेंस किस फोन की बेटर है। आप भी कर दिया करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो सिंपली नीचे कमेंट करके बताओ, और आपका अपना भाई हूं, जल्द से जल्द कैमरा कंपैरिजन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस फोन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। पहले बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो सैमसंग M20 में माली G71 MP2 GPU दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस टाइम पे PUBG बैलेंस ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ। इस फोन में आप PUBG HD ग्राफिक्स पे खेल तो सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज HD ग्राफिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे थे। बैलेंस ग्राफिक्स पे जब मैंने PUBG खेली तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स तो देखने को मिल रहे हैं, स्टिल जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो स्मूद है, आप PUBG खेल सकते हो। और Acer Zenfone Max Pro M2 में हैवी गेमिंग करने के लिए Adreno 512 GPU दिया गया है, जो एक सुपीरियर GPU है Samsung के फ़ोन से। आप देख सकते हो मैं इस फ़ोन में PUBG HD ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ और HD ग्राफिक्स पे बहुत ही माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूद है। अगर आपको और भी ज़्यादा स्मूद एक्सपीरियंस चाहिए तो आप बैलेंस ग्राफिक्स पे खेल सकते हो, उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो मेरे अकॉर्डिंग Acer Zenfone Max Pro M2 एक बेटर ऑप्शन रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी एप्लीकेशंस जो बैकग्राउंड में रन कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म करता है। I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter when your answer ain't God. You can call me killer, as you look into my eyes. सरप्राइजिंगली सैमसंग M20 में एप्लीकेशंस पहले ओपन हो रही हैं, बट जैसे जैसे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में जाएंगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि परफॉर्मेंस किस फ़ोन की बेटर है। तो एक बार पूरे एंड तक देखते हैं कि स्पीड टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो Zenfone Max Pro M2 ने पूरी बाजी पलट दी है। Zenfone Max Pro M2 में ओवरऑल एप्लीकेशंस पहले ओपन हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों फोन्स में 4GB रैम मिलती है, तो अब चेक करते हैं कि रैम मैनेजमेंट किस फोन का बेटर है।
तो दोनों ही फोन्स में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से जो रैम मैनेजमेंट है वो अमेजिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे सैमसंग M20 में ज़्यादा एप्लीकेशंस मेमोरी में थी, तो रैम मैनेजमेंट मेरे को सैमसंग M20 का बेटर लगा है। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।